हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। आज हम बात करने वाले बोस्टन रेड सॉक्स और न्यूयॉर्क यंकीज एमएलबी लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आगे हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है। जो लास्ट केबीओ का मैच था वो हमने क्लीन स्वीप किया था, तो एक तरफ हमने उस मैच को विन कर लिया। तो दोस्तों, इस अगर आप भी विन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको विजन इलेवन का लिंक देखने को मिलने वाला है। तो विजन इलेवन को आपको डाउनलोड कर लें और काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट कमानी है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है और दोस्तों एंट्री फीस भी काफ़ी कम है, यानी कि आपको जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप विजन इलेवन पर प्ले करते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, आप पर पहुंच जाएंगे और काफी ऐसे ऐसे टीम से काफी ऐसे ऐसे अमाउंट कमा पाएंगे और आपका काफी ऐसा सा मोटा प्रॉफिट होने वाला है। और प्रॉफिट के लिए दोस्तों आप ट्रेन को ज्वाइन कर लीजिए, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और जो लास्ट मैच था वो भी हमने क्लीन स्वीप किया था, और दोस्तों जो दो लास्ट मैच हुए थे जो एमएलबी लीग के, वो भी हमने दोस्तों एक तरफा विन किए थे। दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं, एक तरफ हमने दोनों मैचों को विन कर लिया था। और फिलहाल जो मेरी प्रेडिक्शन है काफी अच्छी चल रही है बेसबॉल की तरफ से, और मैं आपको बता दूं दोस्तों काफी अच्छी रहेगी आपके प्रेडिक्शन मेरी इस मैच के लिए। और इस मैच के लिए भी मैं आपको फाइनल टीम काफ़ी अच्छी खासी प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों फाइनल टीम आपको उससे पता कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैच के बारे में कि हमारा मैच का परफॉर्मेंस क्या कुछ रह सकता है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे। तो रेड सॉक्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों इन्होंने अभी तक 162 मैच प्ले किए, जहां पर 92 में विन और 70 मैच में उसका सामना किया। वैसे दोस्तों एमएलबी लीग काफ़ी कम हो चुकी, काफ़ी मैचेस कम हो रहे हैं, तो जिससे हमें काफ़ी दोस्तों नुकसान हो रहा है। तो न्यूयॉर्क यंकीज़ के बारे में बात करूं तो इन्होंने 162 मैच ही प्ले किए, जहां पर 92 में विन और 70 मैचों में उसका सामना किया। तो पता चल रहा है कि जो दोनों ही टीम काफ़ी अच्छी खासी है। कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूँ तो 4-5 या फिर 5-4, आप किसको भी ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी मैं इस मैच में 6 और जिनका ट्राई करना चाहूँगा, कि दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर बीआरएस यानी कि दोस्तों बोस्टन रेड सॉक्स से मिल चुके हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ तो दोस्तों मैं ड्रीम टीम बना चुका हूँ, जो इशू मैं आपको देने लाऊँ। तब दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और अच्छी चीज़ें टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं इसको ओपन करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन से फील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो आपको एंड तक पहुँच कर लेनी है, जो शुरू एंड तक पहुँच करेगा उस मैच के बारे में काफ़ी ऐसी नॉलेज प्लस विनिंग टीम मिलने वाली है। और दोस्तों जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे बात करेंगे जज के बारे में, तो जो दोस्तों बिल्कुल आउट ऑफ परफॉर्मेंस चले लगातार मैचों से, ये दोस्तों अपनी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी भरोसेमंद और एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं। बाकी दोस्तों मैंने अपनी टीम में वो कैप्टन की जगह देने की सोच रहा था, लेकिन अपनी टीम में वो कैप्टन की जगह नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरी फाइनल टीम होगी मैं चाहूँगा दोस्तों मैं कैप्टन किसी और को ट्राई करूँ, वो कैप्टन किसी और को ट्राई करूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे नहीं उठा सकता हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपका अपोनेंट होगा वो अपनी टीम को किस तरह पिक करेगा, क्या तो वो ये देखा कि वो कितना उसके कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, या वो देखेगा कि दोस्तों उसने कितना सिलेक्टेड परसेंटेज है, वो इनके ऊपर ही अपनी टीम को पिक करेगा। और उसको दोस्तों घंटा लग जाएंगे बेसबॉल की, वो दोस्तों तुक्के मारेगा, लाइनअप देखेगा और पैसे इन्वेस्ट कर देगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। नहीं दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी है कि हार्ड इन्वेस्टिंग करनी है। तो जस्ट दोस्तों सिर्फ आपके लिए एज अ प्लेयर रहेंगे, लेकिन कैप्टन उस कैप्टन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दोस्तों मैंने सिर्फ इस वीडियो में जस्ट को अपनी टीम में वो कैप्टन इसलिए जगह दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तो मेरे हमारे टेलीग्राम पर ऐड हो, उनको ही काफ़ी अच्छी विनिंग टीम मिले। दोस्तों डेनियल मार्टिज के बारे में बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खास चॉइस होने वाली, इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा होता जा रहा है दिन के मैचों से। और मान लीजिए इनका जो मेजोरिटी इतना ही रहा, इनका सिलेक्टेड परसेंट इतना ही रहा, तो ये मैच सबको अल्ट्रा क्लीनशिप करवा दूँ, क्लीनशिप तो 100% होगा दोस्तों, बाकी अल्ट्रा क्लीनशिप करवाने की भी कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों रेनफ्रो के बारे में बात करें तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है, और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इनको भी मिट्टी में काफ़ी अच्छे अच्छे पोजीशन पर जगा दें। और मान लीजिए अगर इन्होंने एक होम रन लगा दिया आज के मैच में, तो इनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा सा हो जाएगा। और उनका नेक्स्ट मैच होगा दोस्तों क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल स्टार्ट हो चुके हैं एमएलबी लीग के, तो इनके जो नेक्स्ट मैच होगा मैं उनको भी अपनी टीम में जगह दूंगा ही दूंगा। दोस्तों सकुराबर के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इनके परफॉर्मेंस के बारे में क्या ही बात करूँ, पिछले मैच का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का, जहाँ पर इन्होंने दो होम रन लगा दिए थे, जहाँ पर दोस्तों प्लेयर दो दो तीन तीन पाँच पाँच मैचों में एक होम रन नहीं लगा पाते, जहाँ पर इन्होंने एक ही मैच में दो होम रन लगा दिए, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों होम रन लगाना किसी भी प्लेयर के लिए, और वो भी दो होम रन। दोस्तों आप सकर कम्युनिटी में कैप्टन ट्राई कर लेना, और मेरा मानना है कि दोस्तों आज के मैच का जो परफॉर्मेंस है इनका काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, और मैं इनको ही अपनी टीम में कैप्टन जगह दूंगा। और जो फाइनल टीम होगी वो आपको स्टैट के आधार पर मिलेगी, स्टैट निकालूंगा, एनालिसिस करूंगा, और फिर स्टैट निकाल कर पिक करूंगा, और फिर फाइनल टीम को टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों बात करूँ इनफील्डर सेक्शन से,
तो डेवर्स डेवर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा सोच होने वाली है। और दोस्तों आपके अपोनेंट के पास कन्फर्म आपको देखने को मिलेगा, तो डेवर्स के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और डेवर्स को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है, चलना सिर्फ एज अ प्लेयर, मैं कैप्टन उसके आपको ट्राई नहीं करना है। और दोस्तों चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैं एवर्स करना दोस्तों मैं रेनफ्रो की तरफ जाना चाहूँगा। दोस्तों रेनफ्रो का जो सेलेक्टेड परसेंटेज और वॉश का रेट होगा वो काफ़ी कम रहेगा, और मान लीजिए इनका अपोनेंट थोड़ा बहुत भी रहा और एक होम रन लगा दिया तो ये मैच आपको अल्ट्रा कंट्रिप करवा दूंगा। वो तो मैं रेनफ्रो के आधार पर ये मैच अल्ट्रा कंट्रिप करवाने वाला हूँ। दोस्तों बात करूँ अदर बोगाट के बारे में, तो इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, उनके पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों हमें काफ़ी करेंट इशू देख कर चले जाते हैं और मेरा मानना है कि इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और इस मैच में हम इन करवा सकते हैं। देखिए पिछले इनका पिछला मैच था वहाँ पर एक होमरन लगाया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी हमें दिखाया है और ऐसा आज भी करते हैं, तो मैं इनको अपनी टीम में लेकर चलने वाला हूँ। रिजो के बारे में बात करें तो रिजो का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा था पिछले मैच के अंदर, और जो दोस्तों आपके लिए थोड़ा रिस्क होने वाले और रिजो अपनी टीम इसलिए ट्राई करना चाहता हूँ कि दोस्तों जो उनका परफॉर्मेंस है पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा था, पिछले दो तीन मैच का डाउन परफॉर्मेंस जरूर चल रहा है दोस्तों, काफ़ी और भरोसेमंद प्लेयर है। पिछले दोस्तों मैंने फिलहाल अपनी टीम में ऐसे ही रोड्रिगो को ट्राई किया पिछले मैच प्ले कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि मेरी फाइनल टीम होगी, मैं रोड्रिगो को अपनी टीम से ड्रॉप कर दूंगा। और दोस्तों बात करूँ कैसर के बारे में, मैंने वेंकूस को अपनी टीम में एज अ कैसर ट्राई किया, इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है और उनका जो मेजोरिटी है वो भी काफ़ी कम है, और मैं कहूँगा कि दोस्तों कैसर आपके लिए सच्ची का चोश होने ही हो सकती है। टीम का प्रयोग कर लेते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने टीम में चार आउटफील्डर तीन फील्डर एक पिचर कैसर को ट्राई किया है। कैप्टन उस कैप्टन चोइस में हम यहीं पर बात करते हैं, तो कैप्टन दोस्तों मैं अपनी टीम में सक्राबर करूँगा, फाइनल टीम मेरी यही रहेगी कि मैं सक्राबर को अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करूँ। वॉइस कैप्टन के बारे में बात करूँ तो मैं दोस्तों अपनी टीम में कन्फर्म वॉइस कैप्टन नहीं रखूँगा, दोस्तों मैं कैप्टन वॉइस कैप्टन की तरफ जाऊँगा रेनफ्रो की तरफ, क्योंकि जो इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है। रेनफ्रो के परफॉर्मेंस आप मैं चेकआउट कर देता हूँ, इनका जो परफॉर्मेंस देखिए तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है और काफ़ी अच्छे सपोर्ट हमें कलेक्ट करके दे भी देते हैं, और मान लीजिए अगर इन्होंने एक होमरन भी लगा दिया तो इस मैच में आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवा दूंगा दोस्तों, 100% करवा दूंगा। और फाइनल टीम आपसे भी होता है कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों जो फाइनल टीम होगी उससे आप काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और मेरा मानना है कि दोस्तों इस मैच में आपको अल्ट्रा स्वीप करवाने वाला हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर मिल चुके और मुझे दोस्तों एक ऐसा लेस परसेंटेज सिलेक्टेड प्लेयर मिला है जिसके दम पर मैं आपको मैच क्लीन स्वीप करवाने वाला हूँ। और उस वीडियो में मैंने इसका जिक्र नहीं किया दोस्तों, अगर मान लीजिए वो बंदा मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ उसके बारे में, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाते और फाइनल टीम नहीं मिल पाती। तो दोस्तों मेरी मेहनत की रिलाई कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।